हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू द चैनल आई एम अजय राठी एंड आई एम करंटली अ सेकेंड ईयर वेटनरी स्टूडेंट एट शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसिस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू सो जैसा कि आप सभी को पता है कि वी सी आई के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया है और जो ये वीडियो है कि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ़ के बारे में है तो जो अगर आपको अपना रिजल्ट देखना है तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ पर आपको ये पूरी पी डी एफ़ मिल जाएगी सो so, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कट ऑफ़ क्या है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की सो so, चलो लेट्स बिगिन द वीडियो सो so, सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की तो जनरल कैटेगरी में सेवेंटी फोर थाउजेंड वन हंड्रेड एंड एटीन रैंक वाले इंसान को कॉलेज ऑफ़ वेटनरी साइंसिस एंड एनिमल हस्बेंड्री आइज़वाल मिल गया है ऑन टू द ई डब्ल्यू एस कैटेगरी तो एट्टी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्स रैंक पे कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री आइजवाल अलॉट हो गया है तो दोनों को सेम ही कॉलेज अलॉट हुआ है एटी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्स पे सो नाउ मूविंग ऑन टू द ओ बी सी कटेगरी ओ बी सी कैटेगरी कट ऑफ आप देख पा रहे होगी कि ई से थोड़ी ज़्यादा है वो इसीलिए है क्योंकि ई को भी वो टेन परसेंट का रिजर्वेशन मिला है फोर थाउजेंड इलेवन रैंक पे वेटनरी कॉलेज शिव मोगा कर्नाटका मिल गया है सो नाउ मूविंग ऑन टू द एस सी कैटेगरी तो वन लैख सेवेंटी सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड एटी सेवन रैंक पे कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज आइजवाल मिल गया है सो नाउ मूविंग ऑन टू द एस टी कैटेगरी तो टू लैख एटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फोर्टी नाइन रैंक पे कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हजबेंड्री त्रिपुरा मिल गया है तो नाउ मूविंग ऑन टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी तो ओ बी सी कैटेगरी का अगर कोई पर्सन डिसेबिलिटी में है अगर कोई बंदा पी डब्ल्यू कैटेगरी से है और वो ओ बी सी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो सेवन लैख फोर्टी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फोटीन पर उसको बॉम्बे वेटनरी कॉलेज अलॉट हो गया है सो so नाउ अगर वो जनरल कैटेगरी से पी डब्ल्यू डी है तो उसको मिला है सेवन लैख सिक्सटी टू थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री रैंक पे कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसिस राजेंद्र नगर हैदराबाद फिर दो तरीके के लोग हैं एक वो जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है और वो सेटिस्फाइड हैं तो उनको जाके सीधा कॉलेज में रिपोर्ट करना है और दूसरे वो जो बेटर कॉलेज चाहते हैं तो उनको वहाँ पे रिपोर्ट करना ही करना पड़ेगा यानी कि अगर आपको कॉलेज मिला है आप सेटिस्फाइड हो नहीं हो आपको अपग्रेड करना है तो भी आपको कॉलेज में जाके वहाँ पे उनको बोल के आना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा के कि आई वांट एन अपग्रेडेशन ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि जिससे सिर्फ आप ऑनलाइन में ही अपग्रेडेशन पे लगा सको आपको जाना ही जाना पड़ेगा कॉलेज में अपग्रेडेशन के लिए उसके बाद जिनको कॉलेज नहीं मिला है वो राउंड टू का वेट कर सकते हैं कट ऑफ इस बार भी पिछली बार जितनी ही है अप्रोक्सीमेटली तो चांसेस हैं कि जिनकी ओ और मैं ई और की बात कर रहा हूँ कि जिनकी रैंक क्लोज़ टू वन लैक है उनको भी शायद कॉलेज मिल जाएगा तो आप बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनको स्क्वाश जम्मू मिला है तो अगर आपको स्क्वाश जम्मू में आना है तो स्क्वाश जम्मू में आपकी अलॉटमेंट लेटर के ऊपर लिखा होगा आर एस पुरा तो आर एस पुरा वो है जहाँ पे आपके वेटनरी की क्लासेस लगेंगी लेकिन पहले आपको जाना होता है चट्ठा तो अगर आप थ्रू एयर आ रहे हैं यानी एयरलाइंस के थ्रू लेकिन अगर आप एरोप्लेन से आ रहे हो तो आपको सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ेगा जम्मू एयरपोर्ट तो वहाँ से आप कोई टैक्सी या फिर ऑटो या ई रिक्शा के थ्रू सिंपली चट्ठा जाके रिपोर्ट कर सकते हैं और अगर आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है जम्मू तभी वहाँ से भी सेम प्रोसीजर के थ्रू आपको चट्ठा जाना है सो दिस इज़ ऑल फॉर टू डेज वीडियो आई होप यू फाउंड इट इंफॉर्मेटिव और इफ़ यू लाइक इट दैन काइंडली शेयर द चैनल शेयर द वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल और कीप वॉचिंग थैंक यू सो मच